अच्छा, ये बात तो समझ में आ गई, सरकार का नूर जिब्रील के नूर से अफजल और आला है, इसलिए कि सरकार आगे तशरीफ ले गए और जले नहीं। लेकिन जो आपने लिबास पहना था वो तो जल जाना चाहिए था। वाह वाह वाह, नहीं समझ लगी। जो लिबास था वो तो जल जाता, लेकिन लिबास भी नहीं जला। क्यों नहीं जला? अरे लिबास को निर्भर सरकार से हो गई, और वो लिबास वहां जा रहा है जहां जिब्रील नहीं जा सका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर नाराज ना हो तो एक इशारा कर दूं। वाह वाह वाह, क्या बात। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त अक्दस थोड़ी देर लग जाए, उसको आग नहीं। थोड़ा सोचिए, आवाज़ें बोलिए नहीं, जितनी देर सब नहीं बोलोगे मैं आगे नहीं चलूँगा। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त अक्दस थोड़ी देर लग जाए, उसको आग। तो जिस माँ के शिकम में सरकार 9 माह तक जलवा बढ़ रहे, उस माँ की याद का आलम क्या होगा। क्या बात, क्या बात, क्या बात, बहुत आला। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आज कुछ बंदे कहते हैं ना यार, नमाज ही पढ़नी है, जितने मर्जी पीछे पढ़ लो। जी जी हजरत जी, मस्जिद में बैठे बात सच्ची करना। जी जी, हम में से कोई बंदा दावे से नहीं कह सकता कि हमारे माँ बाप जन्नती हैं। कह सकता कोई दावे से? नहीं। इसके बावजूद अगर कोई पक्का सुन्नी मौलवी हमारे माँ बाप को जहन्नमी कहे, हम उसके पीछे नमाज नहीं। जो तेरे माँ बाप को जहन्नमी कहे उसके तेरी पीछे नमाज ना हो। अरे जो मेरे आका के वालिदैन को जहन्नमी कह रहा है उसके पीछे तेरी नमाज कैसे हो जाए। बेशक बेशक बेशक, बहुत आला, बहुत आला, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इजाजत दो तो एक और इशारा कर दूं। सुभान अल्लाह। जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्त अक्दस थोड़ी देर मस कर जाए, उसको आग नहीं जलाती। यार इसी दस्त अक्दस पर तो सब सहाबा किराम ने बैत की है, उनका मकाम कितना बुलंद होगा। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, बहुत आला, बहुत आला। हजरत साहब, हवाला गलत हो मैं मुजरिम, तर्जमा गलत हो मैं मुजरिम। 26वां पारा सूरह फतह, 3रा रुकू, रब ताला इरशाद फरमा रहा है, लकद रजी अल्लाह अनिल मुमिनीना इज युबायूना का तहत शजरा, बेशक अल्लाह ताला उन सब से राजी हो गया जिन्होंने दरख्त के नीचे बैठ के महबूब के हाथ पर बैत की है। या जिनसे रब राजी, तू नाराज क्यों हो रहा है? क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। इसलिए हमारा अकीदा है हर सहाबी नबी जन्नत। और थोड़ा सा ऊंची आवाज, हर सहाबी नबी जन्नत। बल्कि मैं कहता हूँ ये तो नारा है सरकार के गुलामों की शान देखो। इसी सूरह फतह 26वें पारे में पहले रुकू में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युबायूनका इन्नमा युबायूनल्लाह, जिन्होंने मेरे महबूब के हाथ पर बैत की ऐसा है जैसे उन्होंने रब के हाथ पर बैत की है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि 11वां पारा है, इसका 2रा रुकू, रब ताला इरशाद फरमाया, वल्लज़ी नत्तबहुम बे एहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा।
फरमाया सरकार के गुलामों की शान इतनी अरफा और आला है, अरे जो इनके नक्शे कदम पर भी चलेगा रब उनको भी जन्नत अता करेगा। या जिनके नक्शे कदम पर चलने से जन्नत मिलती है उनका अपना मकाम कितना बुलंद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इजाजत दें तो एक और इशारा कर दूं, परेशान तो नहीं होंगे। मैंने एक मंदिर से पूछा, मैंने कहा यार ये घोड़े का तुम अदब करते हो, वजह क्या है? कहने लगे जी घोड़े के ऊपर सरकार का नवासा बैठकर मैदान करबला में गया था, इसलिए हम घोड़े का अदब करते हैं। मैंने कहा जो आज घोड़ा है इस पर तो हुसैन का बैठना साबित नहीं है, इसका अदब क्यों करते हो? कहने लगे जी उसकी नस्ल में से तो आ रहा है ना, इसलिए हम इसका अदब करते हैं। मैंने कहा यार जिस घोड़े पर सरकार का नवासा बैठ जाए उस घोड़े की नस्ल का भी अदब करते हो, जिनके कंधों पर उनका नाना बैठा उसे जी का अदब क्यों नहीं कर रहे? मैं गलत हूँ खुदा की कसम, मेरा लिहाज नहीं करना, मेरी झोली में डाल देना कि हाफिज साहब आप गलत कह रहे हो। मैंने एक और सवाल कर दिया, मैंने कहा यार अगर किसी को मैदान करबला में दफन होने की सआदत मिल जाए ऐसे बंदे के बारे में तेरा क्या अकीदा है? कहने लगे जी वो तो सीधा जन्नती, वो सीधा जन्नती। मैंने कहा भाई हम बयान करने वाले हैं, लोग हमसे कहते हैं दलील कढ़ो। मैं कहा हमें भी दलील को दे दो यार ताकि हम लोगों को मुतमिन तो कर दें। कहने लगे जी आपको पता नहीं मैदान करबला वो मैदान है जिसकी मट्टी के अंदर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का खून शामिल है, और जिस मट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो जाए उसमें दफन होने वाला सीधा जन्नती है। मैंने कहा जिस मट्टी में सरकार के नवासों का खून शामिल हो उसमें दफन होने वाला जन्नती है, और जहां उनके नाना जलवा बरोज है उनके पहलू में लेटने वालों का मकाम क्या होगा? क्या मुकद्दर है सिद्दीक और उमर का जिनका घर रहमतों के खजीने में है। अगर कोई आपसे पूछे सरकार के उम्मती वो ऐसा है जो जन्नत में है तो बर्मला को हाँ दो ज्या भाई कलाम है, इनमें एक का नाम सिद्दीक अकबर है एक का नाम उमर फारूक है। आप कहेंगे हाफिज साहब आपके पास क्या दलील है? और दलील भी पेश करो। अच्छा जो जो हज उमरा करके आए ना मेरी दलील सुनेंगे उनकी आंखों के सामने मस्जिद नबवी शरीफ सामने आ जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शा फरमाया माँ बैना बैती व मिंबरी रौजत मिन रियाज जन्ना। मैं गलत तो नहीं पढ़ा यार? मेरे हुजरे पाक और मेंबर श्री के दरमियान का हिस्सा जन्नत की क्यारियों में क्यारी है, अरे उसको रियाजुल जन्ना बोलते हैं। आज अगर कोई जन्नत में नमाज पढ़ना चाहता है वहां नमाज पढ़े, ऐसा है जैसे जन्नत में नमाज अदा कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी जी सही कह। मैंने कहा यार ये जन्नत की क्यारी क्यों बन गई? कहने लगे हाफिज साहब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज पढ़ाने के लिए तशरीफ ला रहे हैं, फिर वापस, फिर जोहर, फिर असर, फिर मगरिब, फिर इशा, जिस जगह को बार बार सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी का शरफ मिला वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी बनी। मैंने कहा जिस जगह को कदम बोसी का शरफ मिला वो जन्नत की क्यारियों में क्यारी है, और जहां सरकार जलवा बरोज है उस जगह का मकाम कर रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह।
नहीं नहीं हाफिज़ साहब, हम सहाबा इकराम को मानते हैं, हम उनका अदब भी करते हैं, बड़े अच्छे थे, दीन इस्लाम के लिए तन मन धन लुटाने के लिए हर वक्त तैयार थे, लेकिन हाफिज़ साहब जैसे सरकार ने पर्दा फरमाया, कोई कुर्सी के पीछे ला गया, कोई किसी का हक मार लिया, इस किस्म की बातें। मैंने कहा भाई मैं इसके लिए तुम्हें दो जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार अपना ईमान तो मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जी 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 जी। अब बोलो तो सही, यार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जवाब सुनने के लिए तैयार हो? जी जी। पहला जवाब सुनो, जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि विसाल शरीफ का वक्त करीब आया, तो आपने अपने साथियों को इकट्ठा फरमा लिया, इकट्ठा कर लिया और वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए मुझे गुसल भी देना, कफन भी पहनाना, नमाज जनाजा भी पढ़ना, और फिर मेरी चारपाई को उठाकर सरकार के ज़ोर्ज़े अक़दस के सामने जाकर रख देना, और दरूद व सलाम के गजरे पढ़कर अर्ज करना, या रसूल अल्लाह अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है। कौन आया है? थोड़ा सा ऊंची आवाज़ से बोल दो यार। अगर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरवाज़ा खोल दें तो मुझे सरकार के पहलू में दफन कर देना, अगर दरवाज़ा ना खुले तो मुझे जन्नतुल बकी में दफन कर देना। अच्छा मैंने एक बात कह दी, आपने तवज्जो नहीं की, अगर की होती आपके ईमान को मदीने शरीफ के 12 चांद लग जाते हैं। वो बात मैंने क्या किया, गौर से सुनो, जब आपने फरमाया अगर सरकार दरवाजा खोल दे, यार किसी से अभी ने इतराज नहीं किया, सिद्दीक तू क्या कह रहा है, सरकार को पर्दा फरमा इतने महीने हो गए और वो मनोमट्टी के नीचे दफन है, दरवाजा कैसे खोलेंगे, अरे किसी ने इतराज नहीं किया, इससे पता चला हर सहाबी का अकीदा है हमारा नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह, क्या बात, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो, हमारा नबी, हमारा नबी, इसलिए आला हजरत लिखते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह। यार अगली बात सुनूंगी आपको और मजा बड़ा आएगा, और बड़ा मजा आएगा। क्या बात, क्या बात। जब आपकी चारपाई लाकर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने रखी गई, तो जिसने आगे बढ़कर अर्ज की उसका नाम मौला अली शेरे खुदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत मौला अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला आगे बढ़कर दरूद व सलाम के गजरे निछावर करते हैं और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका दोस्त सिद्दीक आया है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन दरवाजा भी खोल दिया और मिजारे पुरानवा से आवाज आई, औसिलुल हबीब इलल हबीब, दोस्त को दोस्त के साथ लिटा दो। मैंने कहा सिद्दीक तो वो है जिसके पर्दा करने के बाद भी सरकार ने इनको अपना दोस्त ही करार दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। दूसरा जवाब भी सुनने के लिए तैयार हो? सुभान अल्लाह। थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोल दो, सुभान अल्लाह। तैयार हो? अच्छा आप में से किसी ने नाम सुना हो मियाँ शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह ताला शरफपुर शरीफ वाली सरकार, सुना है? जी जी। बहुत बड़े वली कामिल, सुभान अल्लाह, बहुत बड़े वली कामिल, आपकी करामत में आपको सुनाने लगा। आपका एक मुरीद था, उसकी किसी सिख की औरत से आंख लड़ गई,
सिख की औरत ने कहा मेरा शौहर दो दिन के लिए शहर जा रहा है, तू रात को आ जाई। ये तैयार होके चला गया, जब वहां पहुंचा देखा सिख सहन में टहल रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर, ये डर के वापस चला गया। अगले दिन औरत मुलाकात हुई, कहने की राती तो आया नहीं, मैं सारी रातें राह देखती रही। उन्होंने कहा तू तो मरवान लगी सी, सिख तो होते टहलना पिया सी। उन्होंने कहा तन मुगालता लगा है सिख, तो आज रात भी नहीं हो गया, तू आई राती आ जाई। अगली रात फिर चला गया, देखा फिर सिख टहल रहा है, ये डर के फिर चला गया। अगला दिन था जुम्मे का, और कौन सा था जुम्मे का, कुछ ही बोलो जरा जुम्मे का। ये जुमा मियां साहब के पीछे पड़ा करता था, जब जुमा पढ़ने गया तो मियां साहब फरमान लगे बेलियो ओए चंगे चंगे काम करया करो, सन रोज रोज सिख दा रूप ना धारण कर लिया करो। क्या बात क्या बात, बहुत आला आला। मैं कह पीर जिना दे कामिल मियां हजरत बाहू, ओ कंडी लग दे तर के हूँ। मैंने कहा जिसका पीर मियां शेर मोहम्मद हो वो मुरीद को डूबने ना दे, और जिसका पीर इमामुल अंबिया है। अब फिर वापस आ जाओ, जिस कपड़े के साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते अक्दस थोड़ी देर मस कर जाए उसको आग नहीं जलती। ऊंची बोल दो यार, आग नहीं जलती। तो जिसको सरकार फरमाए ये मेरे जिगर का टुकड़ा है, हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ, अरे उसका मकाम कितना बुलंद होगा। ये अल्लाह ताला ने हमें शरफ अता किया है, हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत अतहार को भी मानते हैं। सुभान अल्लाह बेशक, सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला ने हमारे अपने अपने नसीबों की बात होती है, जी 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 जी। हम किसी को अच्छा बुरा नहीं कहते, लेकिन ये अपने अपने नसीब की बात है। बात समझ आई है ना, क्योंकि हमारा अकीदा चाहे कोई सहाबी है चाहे कोई अहले बैत में से है, सबको फैज कहाँ से मिला है। A man is known by the company he keeps. बंदा अपनी सोहबत से पहचाना जाता है। क्या बात क्या बात, बहुत आला बहुत आला। जिसको अच्छी सोहबत मिल जाए बंदा अच्छा हो जाता है, और जिसको सोहबत इमामुल अंबिया की मिली हो उसका मकाम क्या हो गया यार। इसलिए हम सबको सलूट करते हैं, हमें कोई अच्छा कहे बुरा कहे हमें इससे कोई गरज है। हम सहाबा इकराम को नहीं देखते, अहले बैत अतहार को नहीं देखते, हम ये थे इनको फैज कहां से मिला है। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला इनसे मिला, और ये बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह। हमारा अकीदा है चाहे सिद्दीक अकबर है इसको भी जो भी मिला मेरे आका से मिला है, चाहे वो मौला अली शेर खुदा है इसको भी जो मिला मेरे आका से मिला है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं वो था जिसका बाप इसको ऊंट चलाने के लिए भेजता था, और जिसके काबू में एक ऊंट नहीं आया करता था। ये सरकार की गुलामी का नतीजा है। अब उमर ये ऐलान कर रहा है कि अगर दजला दरिया के किनारे कुत्ता भी प्यासा मर गया उमर उसका भी जवाब देगा। वाह वाह वाह, क्या बात, सुभान। जहाँ पर मौला अली शेर खुदा की बात है, ये भी सुन लो, क्या बात, आप फाते खैबर हैं। जी जी बेशक बेशक है ना, जी जी। अब थोड़ी जिंदगी का हौसला करके बात सुननी है। तीन दिन हो गए खैबर फतह नहीं हुआ,
क्या उस वक्त अली बीच में नहीं थे? हजरत जी कुछ तो जवाब दे दो, क्या लश्कर में अली मौजूद नहीं थे? फतह क्यों नहीं हो रहा? अरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, आज हम झंडा उसको देंगे जिसके हाथ से रब तआला खैबर फतह करवा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह होती है सरफाना अली के दर है, कैसे उनको तो आशोबे चश्मे आंखें दर्द हो रही, उनसे चला ही नहीं जाता। फरमाया पकड़ के लाओ। अली क्या बात है, आंखों में दर्द है, सरकार ने अपना लुआबे दहन उनकी आंखों में डाला है। कहाँ डाला है? इस लुआबे दहन का असर क्या हुआ? फरमाने लगे सारी जिंदगी मेरी कभी आंख दुखी ही नहीं है। और दूसरा फरमाया मेरे पास तो चलने की ताकत नहीं थी, चला नहीं जाता था। दो बंदे पकड़ कर लाए और जब लुआबे दहन आंखों में आया तो अली के अंदर इतनी ताकत आ गई कि खैबर के किले के दरवाजे पे एक हाथ से उखाड़ कर फेंक दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाद में 70 सहाबा किराम लगे, दरवाजे को हिला नहीं सके। तो फिर क्यों ना हम कहें ला व रब्बिल आश, जिसको जो मिला इनसे मिला, अरे बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जिसको जो भी मिला कहां से मिला है? सरकार के दर से मिला है। बेशक